कोरिया ने कोरियाई युद्ध के दौरान मारे गए अमेरिकी सैनिकों के अवशेष 6 दशक बाद अमेरिका को लौटा दिए हैं। सिंगापुर में जून में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच हुई ऐतिहासिक मुलाकात में इस पर सहमति बनी थी। ट्रंप ने भी इसे बड़ी सफलता बताते हुए किम को धन्यवाद दिया है। ट्रंप ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए ट्वीट किया कि कई परिवारों के लिए ये बेहद खुशी का मौका होगा। किम जोंग उन का शुक्रिया। अमेरिका पहुंचने पर अवशेषों की पुष्टि के लिए इनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। दक्षिण कोरिया ने भी इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच भरोसा कायम होगा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता में भी प्रगति मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के पूर्वोत्तर शहर वोनसान से अमेरिकी सेना का एक विमान 55 बॉक्स लेकर दक्षिण कोरिया के ओसान स्थित अपने बेस पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि इन बक्सों में सैनिकों के अवशेष हैं। इन पर संयुक्त राष्ट्र का निशान दर्ज है।